बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों के बाद जब अप्पू बाला और बच्चों को मिला भी तो एक एंड्रॉइड के हाथों में। उसके बाद पता ही नहीं चला अप्पू कहां गया। इस राज से पर्दा उठाया अप्पू के कंप्यूटर ने। बाला के हाथ में जो चमकदार क्रिस्टल है यही है अप्पू। ये अप्पू है? हाँ, ये अप्पू ही है। ये क्या कह रहे हो आप? ये अप्पू कैसे हो सकता है? ये तो क्रिस्टल है। क्रिस्टल ही अप्पू है। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी क्रिस्टल में कैसे बदल सकती है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी वाले ऐसा कर सकते हैं। ये क्या एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा लगा रखा है? एंड्रोमेडा में ये होता है? एंड्रोमेडा के लोग ऐसे करते हैं? तुम ठीक ठीक क्यों नहीं बताते मेरा भाई कहाँ है? मैं ठीक कह रहा हूँ बाला। उस एंड्रॉइड ने अप्पू की बॉडी के एटॉमिक स्ट्रक्चर को इस क्रिस्टल में रिकॉर्ड कर लिया है। तो क्या ये सचमुच अप्पू है? अप्पू, अप्पू, बाला भैया को क्या हुआ? भैया को रोको। भैया, भैया, भैया। अगर आदमी को क्रिस्टल बनाया जा सकता है तो उस क्रिस्टल को वापस वही आदमी नहीं बनाया जा सकता क्या? बनाया जा सकता है। तो फिर बनाते क्यों नहीं? दिल क्यों लगा रहे हो? इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। तो फिर? तो क्या उस एंड्रॉइड के लिए आसान था? हाँ, उसी ने तो अप्पू को क्रिस्टलाइज किया था। लेकिन तुमने उसे बगैर अप्पू को वापस स्टोन एज में क्यों भेज दिया? हाँ, उसको भेजने से पहले कम से कम अप्पू को तो वापस ले जाना चाहिए था। नहीं, वो भी नहीं बना सकता था। तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई के लिए? अगर हम इस क्रिस्टल में नोट किए हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ लें तो अप्पू को वापस ला सकते हैं। फिर जल्दी पढ़ो ना। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें एक एटॉमिक डिकोडर की जरूरत है। एटॉमिक डिकोडर? वो कहाँ से मिलेगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मिलेगा क्या? हमें वहाँ जाना पड़ेगा। फिर हमें भेज दो, हम ले आएंगे एटॉमिक डिकोडर को। चलो भैया चलो। एंड्रोमेडा गैलेक्सी यहाँ से हजारों लाखों लाइट ईयर दूर है। वहाँ जाना इंसान के लिए अभी मुमकिन नहीं है। तो फिर अप्पू का क्या होगा? अप्पू को वापस लाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? एटॉमिक डिकोडर अर्थ पे मिल सकता है क्या? सोचता हूँ। हाँ जल्दी सोचो भैया, चिंता मत करो। घबराओ मत भैया, हमारा कंप्यूटर अप्पू को जरूर वापस ले आएगा। हाँ भैया, कंप्यूटर के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। है ना? हाँ है। सच? क्या? एटॉमिक डिकोडर तो पृथ्वी पर भी मिल सकता है। अर्थ पर? कहाँ? फ्यूचर में। फ्यूचर में? कौन सा फ्यूचर? सन 2013 में। सन 2013? मतलब आज से 24 साल बाद डिकोडर बनेगा? इसका मतलब अगले 24 सालों तक अप्पू ये क्रिस्टल ही बना रहेगा? और नो। नहीं, नहीं, नहीं। भूल गए बाला, मैंने तुम्हें सन 1942 में भेजा था। तो क्या तुम मुझे सन 2013 में भेज सकते हो? हाँ, भेज सकता हूँ। तो फिर भेजो ना, मैं डिकोडर लेकर आता हूँ। तुम मुझे भेज दो ना प्लीज।
लेकिन भैया वहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे डिकोडर? तुम ठीक वहीं पहुँचोगे बाला, जहाँ एटॉमिक डिकोडर होगा, लेकिन उसे हासिल करना तुम्हारा काम है। मैं हासिल कर लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं डिकोडर लेकर आ जाऊंगा। प्लीज प्लीज तुम मुझे भेज दो ना, प्लीज। रिमोट ले लो। ऑल द बेस्ट बाला। ये कौन सी जगह है? अरे अरे, ये तो खूबकर सर है। तुम यहाँ हवा में क्या कर रहे हो? अंदर जाओ, खड़े हो। अगर जुकाम हो गया तो कल की पार्टी का क्या होगा? मगर ये मुझे समझ क्या रहे हैं? अंदर जाओ, चलो 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 चलो। ताज्जुब है, कहां 1989, कहां ये 2013, फिर भी पहचान लिया। आइए, कब से पानी गरम करके बैठा राह देख रहा हूं आपकी, जल्दी से भाप ले लीजिए। क्यों क्यों? अरे क्यों क्या, जुकाम बढ़ जाएगा तो बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा तो कल की पार्टी का क्या होगा? चलो चलो चलो। पार्टी? कल किस बात की पार्टी है? अच्छा जी, तो जुकाम में याददाश्त भी कम हो जाती है। चलो 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 चलो, कल की पार्टी का सोचो, कल आपका बर्थडे है। मेरा बर्थडे? कल कौन सी तारीख है? वेरी गुड, अब आप तारीख भी भूल गए। अब आप अपना नाम मत पूछ बैठिएगा बाला बाबा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ये आप बाद में पूछिएगा, पहले ये बताइए, आपको मेरा नाम तो याद है ना? तुम्हारा नाम क्या है? भाला बाबा, मैं डॉक्टर साहब से कह दूंगा कि आप ऐसा ऐसा मजाक करके मुझे डराते रहते हैं। ये किस चीज के डॉक्टर हैं? फिर चुपचाप भाप लीजिए, जवाब तो दो। अरे ऐसा मजाक डॉक्टर बाबू से ना कर बैठिएगा, घबरा जाएंगे वो तो। क्यों? अरे आखिर बाप हैं आपके। मेरे बाप? तुमने अपना नाम नहीं बताया। हरगिज नहीं बताऊंगा। अब तो आप जाकर अपने कमरे में सो जाइए। कमरा? मेरा कमरा कहाँ है? ओहो बाला बाबा, कंप्यूटर ने तो कहा था कि तुम जहाँ पहुँचोगे वहीं डिकोडर होगा, मगर यहाँ कहाँ मिलेगा डिकोडर ये तो पता नहीं। और फिर इतने सारे कमरों में से डिकोडर वाला कमरा कौन सा होगा? सर वो डॉक्टर साहब ने कहा था कि डिकोडर मैं आपको दे दूं। आप एक मिनट रुके सर, मैं लेकर आया। अरे कंप्यूटर ने तो कहा था कि हासिल करना पड़ेगा, मगर ये तो इतनी आसानी से मिल गया। ये लीजिए सर, इसका सारा काम मैंने पूरा कर दिया। यही है क्या? वेरी गुड, लाओ दो। डॉक्टर साहब ने इसकी पावर इनपुट रिड्यूस करने के लिए कहा था, वो मैंने कर दिया। गुड गुड, दे दो। और उसी के हिसाब से इसका ट्रांसफार्मर की रेंज भी घटा दी है। वेरी वेरी गुड, ले जाऊं मैं? और सर मैंने इसमें 5 चिप्स भी ऐड कर दिए हैं, इससे इसकी मेमोरी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। वाह कमाल कर दिया आपने तो। थैंक यू सर, मेमोरी इंक्रीज होने से अब ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी डिसाइफर कर सकेगा। वेरी गुड जॉब डन। ये सब आपने किया? जी डॉक्टर साहब ने कहा था ना। ओह यस यस, अब दे दीजिए। लीजिए सर। तो मैं ले जाऊं? यस सर। सच में ले जाना? यस सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, से मेरा थैंक यू कह देना। जी मैं आया, बस अभी आया। अप्पू सर, सर आई एम सो सॉरी सर, वो सर मैं मेन चीज तो भूल ही गया। क्या हुआ? वो सर विस्प्लेट एक्टिवेटर कनेक्ट नहीं किया अभी। हाँ तो ठीक है, कल कनेक्ट कर देना। लेकिन सर उसके बगैर ये चलेगा कैसे, इनकम्प्लीट है। ओह तो ठीक है, कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन कितना टाइम लगेगा? बस ये कोई 15-20 मिनट। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं गया और आया। अरे
कहीं बाहर जा रहे हो क्या? जा रहा हूँ, अभी अभी तो बाहर से आया हूँ, जल्दी से खाना लेके मेरे कमरे में आओ। क्या हुआ वो डिकोडर का पावर इनपुट रिड्यूस करना था, कर दिया? जी, कब का? और ट्रांसफार्मर की रेंज घटा दी? हाँ, लेकिन अभी तो मैंने आपको जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। घटा दी हाँ, और उसमें मैंने 5 चिप्स भी ऐड कर दिए सर। हाँ ठीक है ठीक है, उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी। राइट सर, लेकिन सर अभी तो मैंने आपको बताया डिस्प्ले एक्टिवेटर कनेक्ट किया कि नहीं? वही तो कर रहा हूँ सर। चलो दिखाओ क्या कर रहा। जोसेफ? यस सर, अभी तो मैंने आपको बताया। जोसेफ जोसेफ, ये क्या लगा रखी है आपको? आपको क्या पहली बार देख रहा हूँ मुझे? चलो कम ऑन। कौन सी दवा खिलाई जाए कि आप बिस्तर पे लेट सकें? खाना खाइए। कैप्सूल? नहीं नहीं, मुझे दवा नहीं खानी। आपको दवा खानी है या नहीं, ये तो आप जाने या डॉक्टर साहब जाने। खाना खाइए। खाना? तो ये क्या लाए हो? दाल, रायता और चावल। दाल, रायता और चावल, वो कहाँ है? ये रहा। अरे, खाना खाइए और सो जाइए। हाँ हाँ, मैं सो जाता हूँ, आप जाइए। मैं जाऊँ? लेकिन आप खाना खा के सोना, ऐसे ही मत सो जाना। हाँ मैं खा लूंगा। अरे ये तो सचमुच चावल है। पहले मैंने खरगोश और बंदर के क्लोन्स बनाए हैं जिसमें मैं कामयाब रहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरमेश खोपकर। आज 6 सितंबर 1990 को मैं पहली बार एक इंसान का क्लोन बनाने का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। मैंने इसके पहले खरगोश और बंदर के क्लोन्स बनाए हैं जिसमें मैं कामयाब रहा हूं। क्योंकि पहली बार ये एक्सपेरिमेंट मैं किसी इंसान पर कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे के नहीं बल्कि अपने ही स्टूडेंट बालाचंद्र कृष्ण मूर्ति के बॉडी से एक सेल लेकर उस पर यह प्रयोग कर रहा हूं। क्लोन इंसान के उस हम शक्ल को कहते हैं जो मां की कोख से नहीं बल्कि लेबोरेटरीज में पैदा किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जी, मैं टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में नहीं बल्कि क्लोनिंग के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। इसमें होता यह है कि किसी बॉडी से एक सेल लेकर उसे एक खास टेम्परेचर में रखकर डेवलप किया जाता है, जिससे एक सेल से 2 सेल्स होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, इस तरीके से 9 महीने के बाद उसी नाक नक्श का दूसरा बच्चा बन जाता है, जिसे आप जेरोक्स कॉपी भी कह सकते हैं। अब मां की कोख से पैदा हुआ बच्चा अपने मां बाप से शक्लो सूरत में थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, लेकिन क्लोन अपनी ओरिजिनल बॉडी से जरा भी अलग नहीं हो सकता। हां,
नेचर और कैरेक्टर में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उसकी ओरिजिनल बॉडी को जो माहौल मिला हो वो इसको भी मिले। तो आज जैसे मैंने कहा, हम अपने ही स्टूडेंट बालचंद्र कृष्णमूर्ति के बॉडी से एक सेल लेकर क्लोनिंग करने जा रहे हैं। ये क्लोनिंग दुनिया में इंसान का पहला क्लोनिंग होगा। सर दर्द तो नहीं होगा ना? नो नो नॉट एट ऑल। एक मिनट, हो गया सर? हाँ मिल गया। ऑल द बेस्ट सर। ओह थैंक यू, थैंक यू। हाय बाला। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? जी जी क्या? नहीं नहीं, आपको कौन चाहिए? बाला। बाला? हाँ वो तो नहीं है। अच्छा फिर आप कौन है? बाला? नहीं नहीं, मेरा मतलब है। अच्छा सुनो, मजाक बंद करो, मुझे ये बताओ डैडी से बात की? नहीं मेरा मतलब है कर ली, कर ली। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बोले खामोश है, कुछ बोला ही नहीं क्या उनसे? देखो सच्ची सच्ची बोलो ना। एक काम क्यों नहीं करती हैं आप? आप थोड़ी देर बाद फोन कर लीजिए। क्यों? बाला बाला तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, या फिर मजाक कर रहे हो? मजाक तो एकदम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तबीयत, हाँ तबीयत तबीयत ही खराब हो गई है। क्या हो गया तुम्हें? कई जुकाम की वजह से बुखार तो नहीं बढ़ गया? हाँ हाँ बुखार बढ़ गया है। नहीं नहीं नहीं, तुम तो एकदम ठीक लग रहे हो। ठीक दिख रहा हूँ मैं? हाँ तो फिर ठीक ही हूँगा मैं, लेकिन वो किसी से मुझे अभी बात नहीं करनी। मुझसे भी नहीं? हाँ हाँ किसी से नहीं, किसी से भी नहीं। ओह माय गॉड, इससे क्या हो गया? हो गया? लाओ दूं। क्या दूं? डिकोडर। आप ही कह रहे थे ना कि कुछ डिस्प्लेट कनेक्ट, वो हो गया? सर अभी अभी तो मैंने आपको ठीक करके दिया है। मुझे? कब? सर अभी अभी तो आप ले गए हैं मुझसे वो। सर मुझे नहीं मालूम आज आपको क्या हो गया। सर आप पता नहीं, आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं सर, मेरी तो नौकरी चली जाएगी ऐसे। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। सुनो मैं बहुत थक गया हूँ। सुनो आपसे बात करता हूँ। देर हो गई, अभी तक खाना नहीं लाया। गब्बू गब्बू कहाँ गया? गब्बू गब्बू खाना ला जल्दी, क्विक। गब्बू गब्बू सुना कि नहीं? खाना क्विक। अभी तो खाना खिलाया था, ये जुकाम में भूख कब से बढ़ने लगी? गब्बू बकवास बंद करो और खाना लाओ जल्दी। अच्छा बाबा लाता हूँ मुझे क्या, लेकिन ये तो बताओ वही लाऊं या कुछ और ले आऊं? वही लाओगे जो बनाया है ना। वो तो खा चुके, कुछ और लाऊं क्या? ये क्या आदत है तुम्हारी? हमारी हमारी क्या आदत है? खाना खिलाने से पहले दिमाग खाने की। लो गब्बू, गब्बू बाला को क्या हुआ? पता नहीं, खाना खा चुके हैं फिर खाना मांग रहे हैं। क्या कहीं अंकल ने तो उसे कुछ नहीं कहा? अरे वो तो घर पे है ही नहीं, उल्टा मैं तो सोच रहा था कहीं आपने तो कुछ नहीं कह दिया। मैंने नहीं तो, लेकिन वो इतना उखड़ा पड़ा सा क्यों है? बाला बाला असिस्टेंट ने तो कहा था कि डिकोडर मुझे दिया है, इसका मतलब उसने मेरे क्लोन को दिया है, और मेरा क्लोन उस कमरे में है, तो हो ना हो डिकोडर उसी कमरे में होगा। अरे फिर बदल ली है, खाना यहीं खाओगे या
कमरे में लगा दूं। अरे खाना क्यों ले आए? अब कहोगे कि खा चुके हो। हाँ तुम ही ने तो खिलाया था। तो फिर मंगवाया क्यों था? नहीं चाहिए, ले जाओ। कमाल है, ये कमीज पहनते हो तो भूख मिट जाती है, वो कमीज पहनते हो तो भूख लग जाती है। अरे इतने बार कपड़े बदलते ही क्यों हो?